18 और 19 जून को होने वाली उत्तर प्रदेश आर्ची पुलिस भर्ती परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोरखपुर जिले में 38 केंद्रों पर 4 पालियों में परीक्षा आयोजित है, जिसमें लगभग 88,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी SP ट्रैफिक की अध्यक्षता में एक बैठक गोरखपुर क्लब में संपन्न हुई। बैठक में CEO रचना मिश्र, अतुल चौबे सहित सभी CEO और थाना प्रभारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया। लगभग 88,000 कैंडिडेट्स जो है परीक्षा देने आएंगे, और उनके साथ उनके माता पिता को भी मिला लीजिए आप, तो लगभग 1,00,000 के आसपास भीड़ गोरखपुर में रहेगी 2 दिन के अंतर्गत। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की हुई है। सेंटर्स पे हम लोगों ने क्लस्टर मोबाइल्स बनाई हुई हैं, गेट पे ड्यूटीज़ बनाई हुई हैं, और मोबाइल पार्टीज़ भी हैं, एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाया गया है, लाइन ऑर्डर की तरफ से भी है। सुचारू रूप से बिल्कुल परीक्षा कराने के लिए हम लोग तैयार हैं और तत्पर हैं। नहीं, रूट डाइवर्जन का ऐसा कोई प्लान नहीं है, वो सभी जगह पे है, रूट डाइवर्जन जैसी कोई बात नहीं। हमारी ड्यूटियाँ रहेंगी, ट्रैफिक ड्यूटी रहेंगी, सभी चीज़ें रहेंगी, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं।